And today's topic is cofactor and axiomatic, or you can say it Laplacian expansion. Okay, I try my best to make this lecture easy for you and hope you stay with me. So have you going for the next slide? तो स्लाइड में आप देख रहे होंगे, मैंने आपको लास्ट टाइम दिया था कि इसका डिटरमिनेंट निकाल के दें. उम्मीद करता हूँ आपने इसका डिटरमिनेंट निकाल दिया होगा. हिंट देने के लिए मैंने आपको जो है एक्स की वैल्यू बता दी थी कि एक्स की वैल्यू इन द एंड ये आएगी. उसके बाद अगर किसी ने हल नहीं किया हो या उसको लगता हो कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो ये मेरी स्लाइड देख लें, ठीक है, इसको अंडरस्टैंड कर लें कि ये कैसे हुआ. उम्मीद करता हूँ जैसे कि मैंने आपको सिखा दिया है, मुझे नहीं लगता कि अब उसको समझने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी. पर फिर भी अगर होती है आपको प्रॉब्लम, लेट मी नो. इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यूजुअली एवरीडे में इस्तेमाल करते हैं. कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं भाई? कैलकुलेशन एरियाज को फाउंड करने में हम इस्तेमाल करते हैं. डिटरमाइनिंग द प्रोडक्ट्स एंड द प्रॉफिट्स, यू नो प्रॉफिट्स में भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस्तेमाल किया जाता है. फॉर्मुलेटिंग द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्पीड को जानने के लिए यूज किया जाता है. कि जो डिवाइसेस आपकी लाइफ में आए हैं कल कंप्यूटर को, ये बेसिकली द बेस ऑफ कहाँ से स्टार्ट हुआ है. कैलकुलेटर हमने बनाया है एबाकस से स्टार्ट होते होते ये एक डिवाइसेस की सूरत अख्तियार करते करते आज हमारे फिंगर टिप हैंड हेल्ड डिवाइसेस की सूरत में आ चुका है. वेल, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. मैंने फर्स्ट स्लाइड में जब मैंने पहली क्लास ली थी आपकी तो मैंने आपको बताया था इक्वेशन किसे कहते हैं, टर्म किसे कहते हैं, कोफिशियंट किसे कहते हैं, ठीक है. सो इक्वेशन तो आपको डेफिनेटली अब पता है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा सा क्या होता है, कभी कभी हमारे पास कुछ तरीके की इक्वेशन बन जाती है जिसको हम कोई चीज़ की रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है उस चीज़ का ना. मतलब हम किसी को देखते हैं तो हमारे जहन जाता है कि ये इक्वेशन बेसिकली तो लुक लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. जैसे लास्ट टाइम आपको एग्जाम्पल मैंने करवाया था कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन. तो मतलब जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो मतलब समटाइम इट लुक लाइक कि भाई ये किसी जो है ना किसी सैम्पल कर रही किसी इक्वेशन के साथ. जैसे इसका एग्जांपल हम देखते हैं नीचे, यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में. इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस ट्वेल्व. तो आप देखें कि अगर आप साइन को ना देखें और इसके साथ जो है एक और जो वेरिएबल्स लगे हुए हैं और कोफिशिएंट लगे हुए हैं और एक्सपोनेंट पावर लगा हुआ है तो बिल्कुल सेम लुक दे रहा है इस वाले का ना, ठीक है. इसी तरह बी एक्स लुक दे रहा है फोर एक्स का ना. देखें फोर एक्स जो बिल्कुल है वो लुक लाइक कि ये बी एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन हिसाब से. इसी तरह यहाँ पर जो सी है वो बेसिकली मतलब इसका मतलब जो ए बी सी हमारे पास वेरिएबल है वो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक्स जो हमारे पास है वेरिएबल वो सिंपली एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसी तरह ही हो रहा है वो, ठीक है. और अगर मैं आपसे अब पूछूं तो मुझे बताइए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है. तो मुझे लगता है मुझे इजीली के बता पाएंगे कि सर ए की वैल्यू फाइव है और बी की वैल्यू यहाँ पर फोर है, ठीक है, और सी की वैल्यू यहाँ पर ट्वेल्व है. मगर बी की वैल्यू हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे? अगर प्लस यहाँ पर माइनस लिखेंगे क्योंकि अब बी की वैल्यू माइनस फोर एक्स हो रही है, ठीक है. जब माइनस होगी तो माइनस देंगे. इसी तरह यहाँ पर माइनस होगी तो माइनस देंगे, प्लस पे भले ना दें मगर माइनस की सिचुएशन पे हम इसे माइनस फोर एक्स कर देंगे, ठीक है. इसी तरह यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस ट्वेल्व कर देंगे, ठीक. उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ए बी सी की वैल्यू कैसे कैद की जाती है. या मैं आपसे ये पूछूं बेटा आप इसका मुझे बताइए एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? तो यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, ठीक है. और बी की वैल्यू यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये टू हो जाएगी. इसी तरीके से थ्री जो है वो सी को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मैंने कहा था अगर माइनस साइन अटैच हो तो माइनस साइन दे दिया, ठीक है. तो ये माइनस साइन आ गया, माइनस थ्री आ गया, ठीक है. उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट तो आपको भी यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक बेटा. हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. अब हमारे पास एक और फार्मूला है, ये इक्वेशन है हमारे पास. अब और हमें पता चल गया इसमें ए बी सी वैल्यू कौन सी है. उसके बाद हमें एक फार्मूला दिया गया है. अब हम क्या करेंगे, हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ए बी की वैल्यू यहाँ पर रखते हुए. तो हमें पता है कि बी बी की वैल्यू क्या है और ए की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है. अब हम वैल्यूज को रखेंगे सिंपल. तो जब आप इसमें वैल्यूज रखोगे बेटा, ठीक है, तो मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ. तो जब आप इसकी वैल्यूज रखोगे, मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल कर देता हूँ डायरेक्ट. अगर ये स्लाइड आपको ना समझ में आए तो मुझे बताइएगा सर ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें समझ में नहीं आती सॉल्व कैसे हुई. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि
तो मैं आपको थोड़ा सा बस उसके एक स्टेप बता देता हूँ, फिर उम्मीद करूँगा आप और दूसरे स्टेप्स आ जाएंगे, ना आए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेशन में भी, ठीक है, या फिर हमारी जब लाइव नेक्स्ट क्लास होगी वहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो है हमने जो है अगर आपने नोट किया हो हमने क्या कर दी, माइनस साइन यहाँ पर रख दी, बी की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है, हमने 2 यहाँ रख दिया, प्लस माइनस साइन यहाँ रख दी मैंने, ठीक है, अंडर रूट वहीं अंडर रूट रखा बी, तो यहाँ हमने देखा यहाँ पर जो है 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब बी की वैल्यू क्या है 2 को स्क्वायर कर दिया तो ये 4 हो गया, ठीक, माइनस साइन दे दिया, माइनस साइन यहाँ पर आ गई, 4 यहाँ पर लिख दिया मैंने, ए की जगह 1 लिख दिया क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, सी की जगह मैंने माइनस 3 लिख दिया, ठीक, और डिवाइड बाय 2 और ये ए के साथ भी मल्टीप्लाई क्या कर रहा है 1 ही कर रहा है, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा 4 एंड देन 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा जवाब 12, ठीक है, ऐसा ही होगा 12, तो मतलब माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का 12 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा इस माइनस के साथ तो क्या हो जाएगा प्लस का 12, ठीक है, तो प्लस का 12 और ये 4 कितने हो जाएंगे, नेक्स्ट लाइन आपको दिखा रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है, माइनस का 12 दोनों को ये अगर मल्टीप्लाई करें तो जवाब क्या आ जाएगा प्लस 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा बेटा, और अगर आप इसका अंडर रूट निकालेंगे तो जवाब आ जाएगा 4, ठीक है ना, तो 4 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस का मतलब है कि इसको प्लस करूं और एक तरफ इसको माइनस करूं, ठीक है, मतलब दो इक्वेशन यहाँ पर निकल रही है, मतलब दो तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, एक यहाँ पर बीच में प्लस रखेंगे और दूसरी टाइम क्या करेंगे इसको माइनस रखेंगे, मतलब एक्स की वैल्यू में 2 मिलने वाली है। तो अब क्या होगा, तो अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो एक्स की वैल्यू में क्या मिली, एक 1 मिली और एक माइनस 3 मिली। उम्मीद करता हूँ ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। शॉर्ट दो एग्जांपल और दे दिए आपको समझने के लिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने दो और एग्जांपल दे दिए, इस तरीके से आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा ये सॉल्व कैसे हो रहा है, ठीक। आप इस स्टेप को देखते जाइए, उम्मीद करता हूँ ये आपको इजी, जैसे इसको फॉलो करते जाएंगे आपको, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू ये भी मिल रही है, दूसरी ये मिल रही है, ठीक है, एक प्लस किया एक हमने माइनस किया, तो इसको जैसे सॉल्व कर लोगे आप आपको यहाँ पर भी 2 वैल्यू मिल जाएंगे। इस तरह दूसरी इक्वेशन भी हमने दे दी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाते हुए यहाँ पर भी 2 इक्वेशन मिली, हमें 2 आंसर मिले एक्स की वैल्यू, ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास इसको सॉल्व किया जाएगा। तो मैंने कुछ एग्जांपल जो आपको दिए थे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करते थे, ठीक, तो मैंने चाहा कि आपको दे दूं, उम्मीद की कि आप कर लेंगे, ठीक है, और जिन्होंने कर लिया है उनको मैं कहूंगा वेल डन बेटा, थैंक यू सो मच फॉर दिस, मच आपने हार्ड वर्क किया, टाइम दिया, और जिनको ये समझ में आ गया जो मैंने यहां तक समझाया तो वो क्या करें, जैसे मैंने ये असल में एग्जांपल दिया था आपको करने के लिए, यहां पर आप देखिए ये अगर जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इक्वेशन ये वाली मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह, लुक लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब आपको पता है ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दें और मैं सॉल्व करके दिखाएं, आप पास करें, आप कोशिश करें, इसको पॉज करें इस वीडियो को एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट। अच्छा, मैंने इसको दूसरे तरीके से सॉल्व किया है वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, ए बी सी की वैल्यू आ गई, ठीक। अब ट्रिक ये है कि हमारे पास क्या है, हम इसको दूसरे तरीके से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हम यहाँ पर रेफर करते हैं सबको, यहाँ ऐसे समझिए, यहाँ पर मैंने लिखा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड सी, क्या लिखा है मैंने, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए एंड सी पर। तो पहले हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया ए और सी को, ठीक है, ए और सी कौन से, यहाँ पर आपको पता है ए हमारे पास 1 है और सी हमारा माइनस 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब माइनस 3 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने माइनस 3। उसके बाद हमारे पास ऐड करना है, अब हमें ऐड क्या करना है, हमें दो ऐसे नंबरों को ऐड करना है कि जवाब हमारे पास क्या आ जाए, 2 आ जाए। मैंने कहा कि हमें दो नंबरों को ऐसे ऐड करना है, ऐसे दो नंबरों को ऐड करना है यहाँ से जो जवाब क्या जाए, 2 आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आप मुझे बता पाओगे, सर दो नंबर ऐसे हो, भले आप उसकी साइन चेंज कर दें बेटा, ठीक है, जब उसकी साइन भी भले आप चेंज कर दें, मगर इन दोनों को अगर मैं दोनों को मैं प्लस करूँ तो जवाब क्या आ जाए, मेरे पास 2 आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ आप मुझे, हो सकता है आपका जवाब ये हो कि सर एक को हम 3 कर देते हैं, दूसरे को माइनस 1 कर देते हैं, तो इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो मेरे पास जवाब क्या आ जाएगा, इन द एंड आप मुझे बता सकते हैं कि यस सर जवाब आ जाएगा 2, ठीक है, वो भी पॉजिटिव का 2 आएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मकसद ये भी हमारे पास एक तरीका है, पहले मल्टीप्लीकेशन करवा दी, माइनस 3 करवा दिया, ठीक है, उसके बाद
हमें दो ऐसे नंबर को लेना है जो क्या करें, दोनों को प्लस करें तो जवाब क्या आ जाए, टू आ जाए। तो हमने लिखा कि भाई एक हमारे पास वो कौन सा नंबर है, वो हमारे पास एक थ्री है, ठीक है, और एक माइनस वन है। इन दोनों को अगर हमने प्लस करते हैं तो हमारे पास जवाब क्या आता है, हमारे पास जवाब टू आ जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर मिल गया, तो हमने कहा कि हमारे पास जो फैक्टर हैं, ठीक, वो फैक्टर कौन से वाले हैं, हमारे पास ये फैक्टर है, ठीक है। तो हमारे पास थ्री फैक्टर वन कहलाएगा और वन जो माइनस वन ये फैक्टर टू कहलाएगा, ठीक है। एक्स का हमारे पास फार्मूला कौन सा पड़ा, यहाँ पर है फैक्टर वन डिवाइड बाय माइनस है। इस तरह दूसरी एक्स की वैल्यू के लिए फैक्टर टू डिवाइड बाय माइनस है। तो फैक्टर वन की वैल्यू क्या थी, फैक्टर वन की वैल्यू थी हमारे पास थ्री, ठीक है, फैक्टर वन की वैल्यू थ्री है ना, और ए की वैल्यू क्या है वन, तो हम लिखेंगे थ्री माइनस वन, सही लिखा मैंने, थ्री माइनस वन लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो जवाब क्या आएगा, माइनस थ्री आएगा, उम्मीद करता हूँ ये आपको आ रहा होगा, ठीक। उसके बाद फैक्टर टू की वैल्यू क्या है, फैक्टर टू की वैल्यू है माइनस वन, ठीक है, और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है वन, तो लिख दिया माइनस, साइन उसके साथ अटैच है तो माइनस वन, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जवाब आ जाएगा वन। तो यहाँ पर जवाब क्या आया, माइनस थ्री और वन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे सॉल्व हो। आप इसी को ही यहाँ से लेके यहाँ से जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं, और अगर ये तरीका समझ में आया तो इस तरीके से इस तरह सॉल्व कर सकते हो। इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि हमारे पास एक और इक्वेशन दी गई है बिल्कुल सेम, ठीक है, अगर उसको आप देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगेगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर दी गई है। उसके बाद आप अब इसके साथ, तो आपको पता है कि हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे ए बी सी एलिमेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, तो हमें यहाँ पता चल गया कि ए हमारे पास क्या है, ए कुछ नहीं यहाँ पर तो वन होगा, बी हमारे पास फाइव है और सी हमारे पास माइनस सिक्स है, ठीक है। तो आप इसके बाद यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा सकते हैं, और अगर चाहें तो जैसे मैंने कहा मल्टीप्लीकेशन, ए और सी को मल्टीप्लाई करो, ए और सी को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए हमारे पास वन है, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस सिक्स के साथ तो जवाब आ जाएगा माइनस सिक्स। और मैंने कहा था बी, ठीक है ना, बी जो है वो ऐसे दो नंबर हो कि जवाब क्या है बी का, फाइव आना चाहिए, ठीक है, मतलब ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, आनी वाली ये वाली चाहिए। तो वो कौन से नंबर होंगे, हमने कहा भाई वो नंबर हो सकते हैं हमारे पास सिक्स और वन, ठीक है। तो हमने कहा सिक्स प्लस वन करेगा तो जवाब आ ही जाएगा, क्या आएगा, फाइव आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया ये वैल्यू हमारे पास आ गई, तो हम इसे कहते हैं फैक्टर वन, इसे कहते हैं फैक्टर टू, और वही वैल्यू जब लगा देंगे इसमें, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू माइनस सिक्स आ जाएगी और दूसरे एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको यहाँ पर यहाँ ये स्लाइड आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास एक डिटरमिनेंट दिया गया है। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, आपको डिटरमिनेंट निकालना आता है थ्री बाय थ्री का। जैसे इसको कंप्लीट करोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू माइनस सिक्स आने वाली है और दूसरे एक्स की वैल्यू आनी है इज इक्वल टू वन। तो इसको सॉल्व करो, ठीक है, एंड होप उम्मीद करता हूँ अब इसको आप सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है, थ्री बाय थ्री का निकाल लोगे। जब इसको सॉल्व करोगे आपके पास कोई ना कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी तो आपको पता है आपको क्या करना है, फार्मूला लगा देना है या फिर अबव जो मैंने कहा था आपको उसके फैक्टर निकाल देने, ठीक। तो ये लेक्चर यहां तक रखते हैं, अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा हमारे पास कैसे उसको माइनर, फिर कोफैक्टर, और कोफैक्टर से रिलेटेड हमारे पास लैप्लेशियन और लैप्लेशियन जो एक्सपेंडिंग करेंगे, ठीक है। अपने ख्याल रखिएगा बेटा, मैंने कोशिश की आपको मेरा जो लेक्चर ये समझ में आए, जो स्टेप्स हैं वो समझ में आए, मैंने कोशिश की कि आपको ये लेक्चर बहुत आसान लगे, ठीक है। एंड इफ दिस लेक्चर हेल्प यू इन एनी वे, इंक्रीज सम काइंड ऑफ नॉलेज, लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।